बलिया जनपद के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसन उर्फ बचेपुर बलियापुर गांव के ही एक 35 वर्षीय युवक दूध खरीदने के लिए गांव में जा रहा था कि पहले से ही घात लगा कर बैठे आधा दर्जन लोगों ने ताबड़तोड़ लाठी डंडे हॉकी तथा धारदार हथियार से दौड़ा दौड़ा कर इस कदर पिटाई कर दी कि वह लहू लुहान हो जमीन पर गिर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के हसनपुर उर्फ बचेपुर बलियापुर गांव निवासी मनीष यादव 35 वर्षीय पुत्र राम आधार यादव गांव में दूध खरीदने के लिए जा ही रहा था कि पहले से ही घात लगाए बैठे धर्मेंद्र यादव अरविंद यादव पुत्रगढ़ शिव प्रसाद यादव हरि प्रसाद यादव पुत्रगढ़ स्वर्गीय बाबूराम यादव ने ताबड़तोड़ लाठी डंडे हॉकी तथा धारदार हथियार से दौड़ा कर इस कदर पिटाई कर दी कि वह लहूलुहान हो गया, जबकि जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, घर पर भी समस्त परिवार के लोगों को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना नगर थाना अध्यक्ष को पैरी सौंप कर दी। इसके बावजूद थाना अध्यक्ष ने FIR दर्ज तक नहीं की। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वार्ता के दौरान मनीष यादव ने बताया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी तक थाना अध्यक्ष नहीं कर रहा है, जो बहुत ही शोचनीय व विचारणीय बात है। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या मामला है? 5 बजे करीब दूध के लिए निकले थे गांव से, 1 किलोमीटर दूरी पे। तो वो लोग हमारे पटदार हैं, वो लोग दो गाड़ी बाइक से आए हैं लोग। अच्छा। उठा करके और हम आगे साइकिल चलाते जा रहे हैं, 5-6 मीटर की दूरी पर गाड़ी रोक दिए। रोक करके और पहले लाठी से हमारे सर पे हम गिर गए, एक पैर हमारा साइकिल पर है, एक नीचे है, तब तक हमारे पैर में भाला एक है जो हम दूसरा मार दिए। उसके बाद इतनी लाठी मारे हैं जो उसको गिनने लायक है, ये देख लीजिए। इसके बाद से उपस्थित रहेंगे गाँव के लोग जो आए हैं। कौन कौन था ये जानते हैं? जी, दीपक था, वो अरविंद था जी, अभिषेक था, धर्मेंद्र था, ऋषि था। और मरने के बाद अब हम तो बेहोश हो गए हैं। इसके बाद से वो लोग जाने लगे, तब तक गाँव में कुछ औरतें लोग आई। क्या पहले से भी उन लोगों से विवाद चल रहा था? 1-1.5 महीना पहले हुआ था कि विवाद, तो उसमें कुल FIR दोनों पक्ष घायल था, दोनों पक्ष को रिफर बलिया किया गया था। यहाँ से जो केस मुकदमा बना है 323 का, क्या क्या धारा पहले से चल रहे थे, तो